Hello students, this is Chiranjit Mallik and today we will study about the pollen-pistil interaction. So, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोगेमी किस तरीके से डिसएडवांटेज लाता है प्लांट के लिए और उसे उससे बचने के लिए किस तरीके से प्लांट अपने अंदर मैकेनिज्म डेवलप करता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मतलब कि पॉलन ग्रेन का जब पॉलिनेशन हो चुका है, जब पॉलन ग्रेन आकर के स्टिग्मा पर गिर चुका है फ्लावर के, तब उसके बाद कौन कौन सा चेंजेस आता है फ्लावर के अंदर, उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन आकर पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर गिरा। स्टिग्मा क्या है? पिस्टिल का ही तो पार्ट है ना, स्टिग्मा पिस्टिल का ही पार्ट है। तो उसके स्टिग्मा पर जब आकर गिरा तो उन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है। अब क्या इंटरेक्शन होता है हम लोग उसे अभी स्टडी करेंगे। सो देखिए, इट इज नॉट गारंटीड दैट इन पॉलिनेशन ऑलवेज राइट टाइप ऑफ पॉलन्स फॉल ऑन स्टिग्मा। ठीक है, ये कोई गारंटीड नहीं है कि जो किसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर रहा है कोई पॉलन ग्रेन, तो वो सही टाइप का ही पॉलन ग्रेन गिरा होगा किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पर। जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले लो, फ्लावर ले लो, कोई भी रोज। ठीक है, रोज के स्टिग्मा पर कोई मान लो आकर के पॉलन ग्रेन गिरा है, तो क्या गारंटी है कि उस पर जो पॉलन ग्रेन आकर गिरा है वो रोज का ही गिरा हो? कोई गारंटी है कि उस पर रोज का ही पॉलन ग्रेन आकर के गिरा हो? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि उस पर जो इंसेक्ट आया हो, ठीक है, कोई बी आया हो, वो अपने साथ किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन लेके आया हो। जैसे कि मान लो कि कोई बी आया रोज के फ्लावर पर बैठा, लेकिन उससे जो पॉलन ग्रेन, उसके बॉडी से जो पॉलन ग्रेन वहाँ पर आकर के झड़ गया उसके स्टिग्मा पर, वो पॉलन ग्रेन या तो मैरीगोल्ड का हो सकता है, लिली का हो सकता है ना, जैस्मिन का हो सकता है ना, अलग अलग, वो तो हर फ्लावर में जाकर बैठ रहा है ना, तो किसी का भी पॉलन ग्रेन हो सकता है ना। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा सही सही पॉलन ग्रेन ही आकर के स्टिग्मा पर गिर जाए। कोई जरूरी नहीं कि रोज का ही पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आकर गिरा हो। ठीक है, तब क्या होता है? देखो, इट इज अ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलन एंड पिस्टिल विच डिसाइड्स दैट वेदर द पॉलन इज कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल। ठीक है, ये एक केमिकल इंटरेक्शन है। किसके किसके बीच में? पॉलन और पिस्टिल के बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर पॉलन जो आकर के गिरा पिस्टिल के ऊपर, तो उसके बाद पॉलन और पिस्टिल के बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में, ठीक ना, जो कि डिसाइड करता है कि पॉलन ग्रेन जो आकर के इसके स्टिग्मा पर गिरा है वो कंपेटिबल है या नहीं है। कंपेटिबल मतलब वो सही है, राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, वही डिसाइड होता है। दोनों के बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इस टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी कि पॉलन और पिस्टिल के बीच इंटरेक्शन, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, वही डिसाइड करता है कि जो पॉलन ग्रेन आकर के उसके ऊपर गिरा है वो सही टाइप का है या गलत टाइप का। इफ द पॉलन इज कंपेटिबल और राइट टाइप, देन ओनली द पिस्टिल अलाउज द पॉलन टू जर्मिनेट एंड ग्रो इट्स पॉलन ट्यूब। ठीक है, अगर पॉलन ग्रेन सही टाइप का हुआ, सिर्फ तभी वो जो है स्टिग्मा जो है उसे जर्मिनेट करने और ग्रो करने देगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है और स्टिग्मा को लगता है कि हाँ ये सही टाइप का है, तभी उसे जर्मिनेट करने देता है और उसके बाद एंटर करने देता है, ग्रो करने देता है ना। अगर उसको लगता है कि नहीं ये रॉन्ग टाइप का है, तब क्या होता है? देन इट रिजेक्ट्स द पॉलन टू जर्मिनेट। अगर उसे लगता है कि नहीं ये गलत पॉलन ग्रेन आ गया है, तो फिर उसे रिजेक्ट कर देता है, उस पॉलन ग्रेन को उसे ग्रो नहीं करने देता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देकर समझ सकते हो कि कोई डिटेक्टिव रहता है, जासूस होता है ना, तो जासूस के बीच में क्या होता है? कोर्ट से बातचीत होती है ना। कोई यहाँ से जासूस जा रहा है, इंडिया का कोई जासूस गया दूसरे कंट्री में, है ना, डिटेक्टिव गया दूसरे कंट्री में, तो वहाँ के डिटेक्टिव से वो क्या करेगा? कोर्ट में बात करेगा। अगर वो सही कोर्ट बता देता है, ठीक है, अगर वो सही कोड बता देता है तभी फिर आगे का प्रोसेस हो सकता है। अगर वो गलत कोड बताता है तो फिर पता चल जाता है कि नहीं ये डिटेक्टिव नहीं है, कोई गलत आदमी है, तो फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसे पकड़ लिया जाता है। ठीक है, सो
आगे का फिर कोई प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो ठीक इसी तरीके से इन दोनों के बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो सही है या गलत है। अगर सही है तो फिर इसे क्या करेगा, ग्रो करने देगा और जर्मिनेट करने देगा, है ना। अगर गलत है तो फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? तभी जो है रोज़ के फ्लावर में सिर्फ रोज़, मैरीगोल्ड के प्लांट में सिर्फ मैरीगोल्ड, है ना, ऐसा ही उगता है। अगर मान लो कि हमेशा जैसे रोज़ के ऊपर मैरीगोल्ड भी आकर गिर गया, लिली भी आकर गिर गया, है ना, तो और तुम्हारा मस्टर्ड का भी आकर गिर गया और सबको वो जर्मिनेट करने दे दिया जाए, तो एक ही प्लांट में सोच सकते हो कितने तरीके के फ्लावर उग जाएंगे। तो लेकिन ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों के बीच में पहले केमिकल इंटरेक्शन होता है, जो सही टाइप का होगा, जो सिर्फ रोज का होगा, सिर्फ उसी को वो जर्मिनेट करने देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैरीगोल्ड को भी दे दिए, मस्टर्ड को भी दे दिए और चंपा चमेली सबको दे दिए, है ना। सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो एक ही प्लांट में अलग अलग तरीके के बहुत सारे फ्लावर देखने को मिलते, क्योंकि हाइब्रिड नस्ल बन जाता है ना। सो हाइब्रिड नहीं बनता है, वो बहुत रेयर केस में होता है कि हाइब्रिड नस्ल बनता है। ये होता कब है? आर्टिफिशियली हो सकता है, ठीक है, नेचुरली का बात अलग है, आर्टिफिशियली हो सकता है, आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं होता। नेचुरली सिर्फ वो सही टाइप के, मतलब अपने ही स्पीसीज के किसी को इंटरेक्ट करने देगा, अदरवाइज वो आगे का प्रोसेस नहीं होने देगा। यहाँ तक आ गया समझ में? इसी को कहते हैं हम लोग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब मान लो उसको सही टाइप का पॉलन ग्रेन मिल गया, सही टाइप का पॉलन ग्रेन मिल गया तो आगे का प्रोसेस क्या होगा वो अब हम लोग देखते हैं। सो अब हम लोग आगे देखते हैं। इफ द पॉलन इज कंपेटिबल देन द स्टिग्मा अलाउज इट टू जर्मिनेट। देखो अगर पॉलन अगर कंपेटिबल रहा, राइट टाइप का रहा, तब उससे वो जर्मिनेट करने दिया। अगर रॉन्ग टाइप का हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर सही टाइप का है तो उसे जर्मिनेट करने दिया। जर्मिनेट करने देगा तो क्या होगा, जर्मिनेट करके वो अपने आप में से एक पॉलन ट्यूब निकालेगा। अब ये पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ करता हुआ स्टिग्मा को पास करता हुआ कहाँ पहुँचेगा, ओव्यूल में। और इस पॉलन ट्यूब से क्या होता आएगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस था ना पॉलन ट्यूब में, सॉरी पॉलन ग्रेन में, तो दो टाइप के सेल थे, कौन कौन, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, दो सेल थे, है ना। तो इस जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस जो है वो पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हुए वो कहाँ पहुँचेंगे, ओव्यूल में, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल में ही उसे फीमेल गैमिट मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए मेल गैमिट के न्यूक्लियस को फीमेल गैमिट के पास, न्यूक्लियस के पास आना होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो वो कैसे आएगा, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू। देखो अब कैसे आएगा वो देखो। वी नो दैट इन 60% प्लांट द पॉलन बिकम्स 3-celled और जनरेटिव सेल इज 2-nucleated आफ्टर पॉलिनेशन। तो ये बात दोबारा दोहराई जा रही है, क्योंकि इसे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है कि जो पॉलन जो होता है वो 3-celled हो जाता है ना। जो ये जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में बट जाता है, तो 3 सेल हो गया ना, 1, 2, 3, 3-celled होता है। या फिर इसको ये कह सकते हो कि जो जनरेटिव सेल है वो 2-nucleated हो जाता है, ऐसे भी बोल सकते हो, 3-celled बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि जो जनरेटिव सेल है वो 2-nucleated हो जाता है ना आफ्टर पॉलिनेशन। 60% में ये कब होता है, पहले तो ऐसा ही रहता है, ये एक पॉलन ग्रेन है, इसमें ये वेजिटेटिव ये जनरेटिव, एक न्यूक्लियस इसका एक न्यूक्लियस इसका, पहले जब बनता है पॉलन ग्रेन तब तो ऐसा ही रहता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है वो 2-nucleated हो जाता है, ठीक है, 2-nucleated हो जाता है। 60% में क्या होता है, 60% में ये कब होता है, आफ्टर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन हो गया तब जा करके ये काम होगा, ठीक है। और 40% प्लांट में क्या होता है कि ये पहले ही बट जाता है ना, पॉलिनेशन के पहले ही, और पॉलिनेशन के पहले बट जाने के बाद तब उसका पॉलिनेशन होता है। समझ में आ गया? यानी 60% में आफ्टर पॉलिनेशन और 40% में बिफोर पॉलिनेशन। इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर इसे रिवाइज करवा दे रहा हूं एक बार, ठीक है। तो ये जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस बने थे, अब
उसका रोल आ रहा है। क्या रोल आ रहा है कि ये जनरेटिव सेल के जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन में रोल है जनरेटिव सेल का। तो ये जनरेटिव सेल के जो न्यूक्लियस है वो दो हिस्से में बट गए। अब कैसे भी बटे, वो पहले बटे या बाद में बटे, लेकिन बटना है उसको, जनरेटिव न्यूक्लियस तो दो हिस्सों में बट गया है। और ये दोनों जनरेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ से एंटर करते हैं, इस ऑव्यूल में आते हैं, ठीक है ना। द पॉलन ट्यूब कैरीज द टू न्यूक्लियाई ऑफ जनरेटिव सेल टू द ऑव्यूल, ठीक है, ऑव्यूल के पास लेकर आता है ये पॉलन ट्यूब। ऑव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एम्ब्रायोसैक, ठीक है, एम्ब्रायोसैक प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, याद करना उसे। एम्ब्रायोसैक होता है, ये ऑव्यूल है पूरा, और ऑव्यूल के अंदर ये क्या है, एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक जो होता है वो एक न्यूक्लियट होता है, देखो 1 2 3 है ना, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8, ये जो ब्लू कलर के देख रहे हो वो इसके न्यूक्लियाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 न्यूक्लियाई हैं। और ये जो ट्रायंगुलर शेप के न्यूक्लियाई देख रहे हो वो पॉलन ग्रेन का है, ठीक है ना, उसको मैं बाद में बता रहा हूँ, अभी ध्यान से देखो। पहले 8 न्यूक्लियट होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, कुछ याद आ रहा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम लोग एम्ब्रायोसेक भी बोलते हैं। तो ऑव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसेक होता है, उस एम्ब्रायोसेक के पास पहुंचता है ये पॉलन ट्यूब, और वो एंट्री कहाँ करता है एम्ब्रायोसेक के पास, माइक्रोपाइल के थ्रू, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू वो एंटर करता है। सो इसे मैं बताता हूँ। अब देखो, आफ्टर रीचिंग टू द ऑव्यूल द पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू द माइक्रोपाइल एंड रीचेस द एम्ब्रायोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। ऑव्यूल तक पहुंचने के बाद ये पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर करता है, ठीक है ना। ऑव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पता है ना कि ये जो इंट्यूगमेंट है, इंट्यूगमेंट पूरे तरीके से ऑव्यूल को ढका हुआ रहता है, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, है ना, वो जगह पर खाली रहता है, वहां पर इंट्यूगमेंट उस ऑव्यूल को ढका हुआ नहीं रहता है, उस जगह को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है ना। उस माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर करता है, ठीक है ना। तो ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ये जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर करता है और कहाँ पहुंचता है, एम्ब्रायोसेक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। समझ में आया, इस एम्ब्रायोसेक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, जो 8 न्यूक्लियेट होता है वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब जो है वो एम्ब्रायोसेक के अंदर भी एंटर करता है, एम्ब्रायोसेक के अंदर एंटर करने का भी इसका एक स्पेसिफिक प्लेस है ना, उसी प्लेस के थ्रू वो एंटर करेगा, उस प्लेस को, एंट्री प्लेस को क्या कहते हैं, साइनर्गिट्स। देखो यहां पर तो तुम्हारा एग एपरेटस मिलेगा, है ना, पहले बता दिए थे कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, मान लो ये माइक्रोपाइलर एंड है, तो माइक्रोपाइलर एंड के किनारे में जो 3 सेल्स रहेंगे, उन तीनों सेल्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एग एपरेटस, ठीक है, एग एपरेटस, ठीक, एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस 3 सेल्स का बना होता है, क्या क्या, एग सेल, और ये दोनों होते हैं साइनर्गिट्स, एग और ये दोनों साइनर्गिट्स। तो 2 साइनर्गिट्स और 1 एग मिलकर क्या बनाता है, एग एपरेटस। ये तीनों क्या बनाते हैं, एंटीपोडल सेल्स, है ना, जो चलाजल एंड की तरफ रहता है, ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड। तो ये माइक्रोपाइलर एंड में रहता है एग एपरेटस, और चलाजल एंड की तरफ रहता है क्या, एंटीपोडल सेल्स, और बीच में जो रहता है सेल बड़ा सा, ये है क्या, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई को हम लोग कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, सब याद आ रहा है। हाँ, अब देखो ये जो एग एपरेटस के पास पहुंच जाता है ना, इसका जो पॉलन ट्यूब है वो एग एपरेटस के पास पहुंच जाता है, और कहां से एंटर करता है, ये एक साइनर्गिट्स के थ्रू। यहां पर 2 साइनर्गिट्स है, दोनों में से किसी एक साइनर्गिट्स, कोई भी साइनर्गिट्स, ये हो चाहिए हो, इस
दोनों में से कोई एक साइनर्गेट्स के थ्रू एंटर करता है, उस साइनर्गेट्स में एक विशेष टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। नाम याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फिलीफॉर्म एपरेटस। पूछा जाएगा कि पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करता है एम्ब्रायोसेक में, तो बताना होगा फिलीफॉर्म एपरेटस, और वो किसका पार्ट है, साइनर्गिट का पार्ट है। ठीक है, पॉलन ट्यूब एंटर्स इन द एम्ब्रायोसेक थ्रू वन ऑफ द साइनर्गेट्स वाया अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस नाम के एक स्ट्रक्चर जो कि साइनर्गिट का पार्ट है उसके थ्रू एंटर करता है ये पॉलन ट्यूब। ठीक है, सो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द एम्ब्रायो सैक। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है कि कहाँ से एंटर करना है, अगर फिलीफॉर्म एपरेटस इस तरफ रहा तो इधर से एंटर करेगा, अगर इस तरफ रहा तो इधर से एंटर करेगा, मतलब वो रास्ता बताता है कि किस तरफ से एंटर करना है ना। तो यहां तक था हम लोगों का पॉलन ट्यूब का एम्ब्रायो सेक तक एंट्री। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जैसे देखो जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि कि जो नेचुरल नेचुरल पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ कोई भी फ्लावर का स्टिग्मा जो है सिर्फ अपने ही टाइप के पॉलन ग्रेन को वो जो है वो आने देगा अंदर, है ना, उसी को जर्मिनेट करने देगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि कोई दूसरा ब्रीड बनने का ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे कोई पिंक कलर का रोज़ दे रहा है, ठीक है, और हमको चाहिए, हमको येलो कलर का भी फ्लावर चाहिए या फिर वाइट रोज़ चाहिए, है ना, या फिर रेड रोज़ चाहिए या फिर पर्पल रोज़ चाहिए, तो इतने अलग अलग कलर के मुझे रोज़ चाहिए, तो वो नेचुरली नहीं हो सकता है। ठीक है ना, नेचुरली क्योंकि वो करेगा या नहीं करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के बीच में क्या केमिकल इंट्रैक्शन होगा, अगर वो रिजेक्ट कर देगा या फिर उसको कंपेटिबल पाकर उसे अलाउ करेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें करना है तो फिर क्या करना होगा, इसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमें करना होगा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। टू अचीव अ बेनिफिशियल एंड डिजायरेबल ब्रीड, है ना, बेनिफिशियल और डिजायरेबल ब्रीड पाने के लिए वी कैन पॉलिनेट अ फ्लावर विथ डिजायरेबल पॉलेंस आर्टिफिशियली। ठीक है, सो हम लोगों को क्या करना होगा कि जो जो ब्रीड हमें पाना चाहते हैं उसी पॉलन ग्रेन को ला करके डालना होगा। ठीक है, जो ब्रीड हमें चाहिए, जैसे हमें पिंक रोज नहीं चाहिए, हमें येलो रोज चाहिए, ठीक है, तो हमें येलो रोज के पॉलन ग्रेन ला करके उसमें डालने होंगे। ठीक है ना, लेकिन नेचुरली अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसमें येलो वाला आके गिरेगा या नहीं गिरेगा, फिर आकर गिरा भी तो क्या होगा, वो उसे ग्रो करने देगा या नहीं करने देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं करना तो हमें वो आर्टिफिशियली करना होगा। आर्टिफिशियली करने के लिए क्या करना होगा, हमें कोई डिजायरेबल ब्रीड चाहिए तो आर्टिफिशियली करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जिसका चाहिए, जिस ब्रीड का चाहिए, उसके पॉलन ग्रेन ला करके उधर पॉलिनेट करना होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इट अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप, ये इन स्टेप से होकर के गुजरता है, दो स्टेप होते हैं। ठीक है ना, दो स्टेप्स होते हैं, इमस्क्यूलेशन और बैगिंग। तो इमस्क्यूलेशन क्या होता है, देखो इमस्क्यूलेशन, इफ अ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल देन द स्टेमन इज कट आउट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द सेल्फ पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डू नॉट नीड दिस स्टेप। इमस्क्यूलेशन क्या होता है, देखो मस्क्यूलिन जेंडर पढ़े हो, मस्क्यूलिन जेंडर में क्या होता था, पुलिंग यानी कि मेल को, ठीक है ना, तो इमस्क्यूलेशन मतलब क्या होता है कि जो मेल पार्ट है उसे हटाना फ्लावर में से। मेल पार्ट क्या है, मस्क्यूलिन मतलब होता है मेल, ठीक है ना, सो इमस्क्यूलेशन मतलब मेल पार्ट को हटाना। सो इमस्क्यूलेशन में हम लोग फ्लावर में से मेल पार्ट को हटाएंगे। मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों रहते हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट, तो
तो उसमें जो स्टेमन वाला पार्ट है यानी जो मेल पार्ट है उसे कट करके हटा देना, इसी को बोलते हैं इमस्क्यूलेशन। ठीक है, कट करके क्यों हटा देना पड़ता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। अगर मान लो कि उसको रहने दिया जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा तो हमें अपना डिजायरेबल जीन कैसे मिलेगा, है ना? हमें जो चाहिए वो तो नहीं मिल पाएगा, है ना? जो उसमें है वही मिल पाएगा। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, है ना, हमें सबसे पहले उसके मेल पार्ट को काट कर हटाना होगा। तो स्टेमेन वाले पार्ट को हमें काट के हटा देना है, तो इसे हम लोग कहते हैं इमस्क्यूलेशन। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तभी ये वाला स्टेप जरूरी है, इमस्क्यूलेशन। ठीक है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें ये स्टेप जरूरी नहीं है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है तो उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट रहेगा, मेल पार्ट की बात ही नहीं आती है ना, तो उसमें ये स्टेप नहीं लगेगा। लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो उसमें इमस्क्यूलेशन वाला स्टेप लगेगा। अब आते हैं सेकेंड स्टेप जिसे हम लोग कहते हैं बैगिंग। सो सेकेंड स्टेप है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है? बैगिंग इमस्क्यूलेशन के बाद का सेकेंड स्टेप है। ठीक है, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप में आएंगे बैगिंग में, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो उसमें पहले इमस्क्यूलेशन करेंगे यानी कि उसमें से जो मेल पार्ट है उसको हटा देंगे और उसके बाद बैगिंग वाले स्टेप में आएंगे। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ तो डायरेक्ट बैगिंग में आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मेल पार्ट था ही नहीं, है ना? सो बैगिंग में क्या प्रोसेस होता है? आफ्टर इमस्क्यूलेशन द स्टिग्मा इज कवर्ड एंड टाइड विथ थिन पॉलिथिन बैग्स अंटिल इट बिकम्स रिसेप्टिव। इसमें क्या किया जाता है कि स्टिग्मा को, है ना, कवर कर दिया जाता है एक पॉलिथिन बैग से, पतले पॉलिथिन बैग से कवर कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों कवर किया जाता है? ताकि उसका जो स्टिग्मा, उसके जो स्टिग्मा पर है उस पर कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर उसे पॉलिनेट ना कर दे। ठीक है ना, अगर उसे हम लोग खुला रख देते हैं तो उस पर कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर उसके ऊपर गिरेगा और उसे पॉलिनेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि एयर में या फिर जो इंसेक्ट उस पर बैठेंगे उस इंसेक्ट के बॉडी में अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन रहते हैं, तो उसके ऊपर आकर झड़ेगा और वो उसे पॉलिनेट कर देगा। और एक बार दूसरे पॉलन ग्रेन आकर उसे अगर पॉलिनेट कर देते हैं तो फिर हमें वो ब्रीड नहीं मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। हमें अपना मनचाहा ब्रीड अगर चाहिए तो हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले तो दूसरे जो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स हवा में आ रहे हैं या फिर इंसेक्ट्स के बॉडी से आ रहे हैं उन सबको रोकना होगा। ठीक है, तो उन सब से कैसे बचाएं इस स्टिग्मा को? तो उसे ढक देना होगा। कैसे? पॉलीथीन बैग से, थिन पॉलीथीन बैग से उसे ढक करके उसे धागे से बांध देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग स्टिग्मा को दूसरे अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में आने से बचाएंगे। ठीक है, कब तक बांध के रखेंगे? जब तक कि ये रिसेप्टिव ना हो जाए, ये भी चीज़ देखना पड़ेगा। जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव ना हो जाए तब तक उसे बांध के रखना होगा। रिसेप्टिव मतलब मैच्योर हो जाए। ठीक है ना, मैच्योर होगा एक बार स्टिग्मा तभी तो वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर पाएगा। जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा यानी कि मैच्योर नहीं होगा तब तक वो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं है। तो सबसे पहले उसे मैच्योर होने देंगे, तो तब तक हम लोग उसे बांध कर रखेंगे जब तक कि वो रिसेप्टिव ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए। वंस इट बिकम्स रिसेप्टिव द कवर इज रिमूव्ड, है ना। जैसे ही ये रिसेप्टिव हो जाता है तो कुछ देर के लिए हम लोग उस कवर को हटाएंगे, फिर क्या करेंगे उसमें अपना जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स है, जो पॉलन ग्रेन हम लोग उस पर डालना चाहते हैं उस पॉलन ग्रेन को स्प्रे करेंगे और उसके बाद फिर उसे कवर कर देंगे। ठीक है, फिर उसे कवर करके लगा देंगे। ठीक है, कवर करके लगाएंगे कब तक? जब तक कि उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो जाए पॉलन ग्रेन के। पॉलन ग्रेन जब उसको फर्टिलाइजेशन ना कर दे और फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक उससे फ्रूट ना बन जाए तब तक हम लोग उसको कवर करके रखेंगे। ठीक है, इन दिस वे वी कैन गेट अ डिजायरेबल ब्रीड आर्टिफिशियली। सो इस तरीके से हम लोग अपना मनचाहा ब्रीड आर्टिफिशियली प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सा तरीका हो गया? आर्टिफिशियल तरीका हो गया, क्योंकि ये एक मैन मेड तरीका है, हमें इंटरफेयर करना पड़ा है ना। सो इसीलिए इसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हालांकि क्या होता है, इसके जो फेलियर के चांसेस हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, फेलियर के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्योंकि ये मेथड भी
पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है? कितना भी हम लोग जोर लगा ले वो आके यहीं पर रुकेगा, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर, ठीक है? वो जर्मिनेट करने देगा या नहीं, वो सिर्फ पॉलन और पिस्टिल के बीच में जो केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है वो उसी पर डिपेंड करेगा, ठीक है? अगर पिस्टिल उसको पाता है कि हाँ ये सही राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, तभी वो उसको जर्मिनेट करने देगा। लेकिन अगर वो देख रहा है कि हम लोग उसमें गलत पॉलन ग्रेन डाल दिए हैं, तो फिर वो उसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना? सो फिर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोग करने का कोशिश कर रहे थे इतना मेहनत से, वो बेकार चला जाएगा, ठीक है? क्योंकि पिस्टिल जो है उसको रिजेक्ट कर चुका है, ठीक? तो इसके फेलियर का भी चांसेस बना रहता है। सो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पॉलन पिस्टिल के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो पॉलन ट्यूब अपने दोनों जेनरेटिव सेल के दोनों न्यूक्लियाई को ला करके यहाँ पर डाल दिया है, वो न्यूक्लियाई किसको किसको फर्टिलाइज करेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 न्यूक्लियाई हैं, वो किसको किसको फर्टिलाइज करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि हम लोग फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन कल के वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।